जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि 2020 टू 2023 का जो सेशन चल रहा है, जो कोई भी बच्चे इसमें इनरोल्ड है यूजी सेमेस्टर में, तो उनका फिजिक्स जेनरिक का जीई पेपर, जिसको जेनरिक पेपर कहते हैं, तो इसको इलेक्टिव भी बहुत जन कहते हैं, जनरल इलेक्टिव, तो उसका एग्ज़ामिनेशन आज हुआ 23 फरवरी को। और इसमें बहुत सारे बच्चे जिनका फिजिक्स जेनरिक में था वे इसमें इनरोल्ड हुए थे, हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल्ड हुए थे। और इसी का क्वेश्चन पेपर को मैं डील करने जा रहा हूँ कि फिज़िक्स में कैसे, फिजिक्स जेई वालों का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमेस्टर टू के नोट कर लीजिएगा, सेमेस्टर टू के बच्चों के लिए है, ठीक है, यूजी सेमेस्टर टू। कॉपीराइट रिजर्व लिखा हुआ इधर 2021, इसमें लिखा हुआ 2021 इसी वजह से, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला था, चांसेस बन रही थी 2021 में, लेकिन 2022 में एग्ज़ाम हुआ है ना, इसी वजह से 2021 लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन पेपर आपका सितंबर अक्टूबर 2021 का सितंबर अक्टूबर में ही बन के रेडी हो चुका था, जैसा कि मैं जान रहा था। और 2022 में क्वेश्चन पेपर 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ और टाइम 3 घंटा, फुल मार्क्स 60 नंबर का था। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज परसेबल, द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, आंसर 5 questions इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और बाकी बात पीछे वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 5 questions ही आपका ज़रूरी है। 8 questions दिए रहेंगे, लेकिन नहीं, 9 questions दिए रहेंगे, सॉरी 8 questions दिए रहेंगे आपको, उसमें से मात्र 5 questions बनाने के रहेंगे और एक नवा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 2 questions को ही बनाना है एकदम पीछे में, है ना, 9th question। तो देखिए क्वेश्चन 1A का है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, 4 options हैं, आप सिलेक्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है पॉइंटिंग वेक्टर, वेक्टर एस इज गिवन बाय, देख सकते हैं ये page number 1 हुआ। इसके बाद page number 2 में उसका तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डाइलेक्ट्रिक, कॉपर, माइका, जर्मेनियम, नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज गिवन बाय, इसके बाद चेंज होलो स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, option 1, option 2। अब नेक्स्ट पेज में option 3, option 4। नेक्स्ट है चार्ज क्यू, चार्ज क्यू कुलाम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है एक क्यू कुलाम का एक चार्ज बैठा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा और प्रत्येक फेस में, है ना, वो आपको निकालना है, तो इसमें से कौन सा होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट आंसर एनी 2 of the following, दोनों में से कोई एक आंसर दीजिए, है ना, दोनों में से कोई एक नहीं, आंसर एनी 2 of the following, दो ही दीजिए, है ना, इसका 2 ही चाहिए। फिर एनी लिखने कोई यहाँ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, आंसर 2 of the following ऐसा लिखना चाहिए था, अगर 4 रहता तब अच्छा रहता, ये सूट करता, सेंटेंस में मिस्टेक किया है, 4 रहता तो उसमें सूट करता, आंसर एनी 2 of the following, लेकिन दोनों ही लिखना है। ऑप्टेन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और नेक्स्ट है सो दैट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। नेक्स्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, एक नंबर एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल पॉइंट ऑफ स्पेरिकल सेल यूजिंग गॉसेस थ्योरम। नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, चूँकि आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडेंसर, ये हुआ, सब 12 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ
ऑब्टेन द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, नेक्स्ट ऑब्टेन द कर्ल ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस एंड शो दैट वेलोसिटी ऑफ इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। स्टेट देन डिड्यूस द पॉइंटिंग थ्योरम। नेक्स्ट है स्टेट दैट द लैंज लॉ एंड शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ओबेइंग लॉ ऑफ दैट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत आसान है, लेंज लॉ आपको लिखना है सबसे पहले, और इसमें आपको दिखाना होगा कि लेंज लॉ किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ऑब्वियस सी बात है, लेंज लॉ कहता है कि जो किसी भी कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये एम्पियर सर्किट लॉ का कहना है, पहली बात तो ये। और सामने वाले जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से उस सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेट होने के कारण उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसमें इंड्यूस्ड करंट बना रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्राइमरी मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को वो अपोज करता है। इस प्रकार से सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा, और फिर प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी को अपोज करेगा, तो इसी प्रकार ये एक दूसरे को अपोज करते रहेगा, और इसके वजह से ये इस सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में, पर प्राइमरी के वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट बनेगा, और जिसके वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बना तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में सेकेंडरी को परेशान करेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का एनर्जी कहीं भी जो है कि ख़त्म नहीं होगा, संरक्षित रहेगा, एक दूसरे में ही निहित रहेगा, अगर बाहरी बल को जब तक हटाना दिया जाए तो। अगर बाहर से जो बल लग रहा है, बाहर से जो करंट आ रहा है, वो अगर जब तक बंद नहीं होगा तब तक इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नियम का पालन होते रहेगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का विनाश नहीं होगा एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पांच, इसमें टोटल चार क्वेश्चन दिया है, इसमें से दो आपको लिखना है, छः इंटू दो मतलब छः छः नंबर का है, 12 नंबर मिल जाएगा। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, बड़ा आसान है, आपको छः नंबर मिलेगा ये लिखिएगा तो। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक है। नेक्स्ट है सो डैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शो करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना एज अ लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज शीट, है ना, चार्ज शीट के कारण जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सामने में जो बनेगा वो आपको निकालना है, ठीक है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये सब चीज़ देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, आशा है कि आपको ये हेल्पफुल होगा, तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।